48 वर्षीय काजोल देवगन जो कि इंडस्ट्री में काफी जानी मानी अभिनेत्री थी, आज सुबह ही उनका निधन हो गया है। कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है। जैसे न जाने कितनी सारी सुपरहिट्स फिल्में देकर काजोल ने बॉलीवुड में अपना एक तरफा नाम बनाया था, और ये नाम शोहरत पैसा हर चीज़ छोड़ आज सुबह ही काजोल देवगन का निधन हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले महीने काजोल देवगन कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, और एक बार फिर से उनकी हालत में सुधार ना होने की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और आज सुबह ही उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडे हॉस्पिटल में ही अपनी आखिरी सांसें ली और उनका निधन हो गया है। बता दें कि उनके निधन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल तो हो रही हैं, पर उनके निधन की पुष्टि न उनके परिवार के किसी सदस्य ने की है और न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी ने, जिसके तौर पर यह माना जा रहा है कि काजोल देवगन का निधन नहीं हुआ है। अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पर उनके निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही फैलाई जा रही हैं। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है, अगर आपने भी काजोल देवगन के निधन की खबरों को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अगर आप भी काजोल देवगन के फैन हैं तो उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।